प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हेलो एयरिंग्स का आईपीएसी नामकरण पढ़ा रहा हूँ। हेलो एयरिंग्स हमारे क्या होते हैं? जब बेंजीन वलय से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? हेलो एयरिंग्स कहलाते हैं। अब इनका नामकरण करने का कई तरीका होता है। हमारा पहला तरीका हम आपको बताते हैं कि जब बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़ा हो तब हेलो एयरिंग्स का नामकरण कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ बेंजीन वलय से हमारा एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर क्या जुड़ गया? क्लोरीन। तो इसका नामकरण जब हम करेंगे तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका यूपीएससी नामकरण करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन के अनुलग्न लिखते हैं। हाइड्रोजन के पूर्व लग्न लिखे और आगे हम क्या लगा देते हैं? बेंजीन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बेंजीन। जब हाइड्रोजन के पूर्व लग्न और बेंजीन दोनों एक साथ सम्मिलित कर दिए जाते हैं तो हेलो एयरिंग का नाम हो जाता है। जैसे कि यहाँ क्लोरीन है ना, क्लोरीन है तो इसका क्लोरीन जो शब्द है वह क्लोरोधन इन से बना है। किससे बना है? क्लोरोधन इन से। अब इसका पूर्व लग्न क्या है? क्लोरो। तो नामकरण जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का व्युत्पन्न अर्थात यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम क्या पढ़ेंगे? क्लोरो। और आगे क्या लिख देंगे? बेंजीन। हो गया इसका नाम। इसी तरह से यदि हम बेंजीन वलय है और इसके ऊपर जो है ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीन को हम क्या करेंगे? ब्रोमो धन इन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ब्रोमो धन इन। दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इसका पूर्व लग्न क्या हुआ? ब्रोमो। ब्रोमीन का पूर्व लग्न क्या है? ब्रोमो। और आगे क्या लिख देना है? बेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से यदि हमारा क्लोरीन जुड़ा हो तो क्लोरीन यदि जुड़ा है इससे तो यह क्या पढ़ेंगे? इसका पूर्व लग्न क्या होगा? क्लोरो। जैसे आयो क्लोरो और आगे हो गया बेंजीन। यह हमारा क्या होना? क्लोरो बेंजीन। इसी तरह से आई यदि जुड़ा हो यक्ष के जगह पर तो वह हो जाएगा आइडो बेंजीन। ठीक है, यह हमारा पहला तरीका। अब हम बताते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हमारा है कि जब बेंजीन वलय पर एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, एक से अधिक जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय पर जुड़े हों तब उनका नामकरण हम कैसे करते हैं? जब एक से अधिक हमारे बेंजीन के ऊपर जो है हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तब उस दौरान जब नामकरण करेंगे तो नामकरण करते समय हम बेंजीन पर जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु हैं इनके स्थान को भी हम दर्शा देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ एक और हाइड्रोजन परमाणु आ गया तो इसका नामकरण हम करेंगे तो कैसे होगा? 1, 2। अब क्लोरो है ना तो क्लोरो के पहले हम क्या लगाएंगे? डाई। यहाँ संख्या कितना है? 2, इसलिए इसको नाम दिए 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन। यदि मान लो यहाँ पर एक और क्लोरीन है तब नामकरण कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें पर है ना, तो 1, 2 और 5 हमारा क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ा है? पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे पर नहीं जुड़ा है, चौथे पर नहीं जुड़ा है, पांचवें पर जुड़ा है। तो पहले कार्बन का जगह दर्शाए 1, फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 और पांचवें कार्बन से जुड़ा है 3। तब तीनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? 5।
क्या बनाते हैं? ट्राई, इसको हम पढ़ते हैं ट्राई क्लोरो बेंजीन। तब मान लो यहां पर ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन आ गया और यहां ब्रोमीन है, तब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? 1, 3, 6। ब्रोमीन कहां कहां जुड़ा है? पहले कार्बन से, दूसरे पर नहीं है, तीसरे पर जुड़ा है, चौथे पर नहीं है, पांचवे पर नहीं है और छठे से जुड़ा है। तो जुड़ा कहां कहां है? पहले कार्बन से, तीसरे कार्बन से और छठे कार्बन से। इसलिए तीनों का स्थान हम दर्शाएं 1, 3, 6 और टोटल कितने मिले? 3 है। तो 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से यदि हमारा क्लोरीन है, पहले कार्बन से जुड़ा है और तीसरे कार्बन से, तब हम क्या कहेंगे? 1, 3। अब कौन सा क्लोरीन बनेगा? डाइक्लोरोबेंजीन, 1, 3 डाइक्लोरोबेंजीन। यह है इसका नामकरण करने का दूसरा तरीका। जब हाइड्रोजन परमाणु एक से अधिक कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तीसरा कंडीशन हमारा होता है, यहां पर देखिए समान प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हमारे होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं क्लोरीन जुड़ा हो और कहीं पर ब्रोमीन जुड़ा हो, ऐसे भी हमारा नामकरण हो सकता है। मान लो यहाँ यक्ष है तो यहाँ पर यक्ष रह, अर्थात एक हाइड्रोजन का कोई और एक परमाणु है और दूसरा हमारा अलग परमाणु। अब उसका नामकरण यदि करें, मान लो यक्ष बराबर हम लिखे क्लोरीन और यक्ष डैश बराबर हम क्या लिख दिए? ब्रोमीन। क्या लिख दिए? ब्रोमीन। अब यहां पर नामकरण करेंगे तो अब हम अंग्रेजी अल्फाबेट का भी यूज करेंगे, क्योंकि दो समान तरह के हमारे परमाणु यहां पर जुड़ गए हैं। समान का मतलब क्या है? दोनों हाइड्रोजन ही है। तो पहले हम किस वाले हाइड्रोजन का नाम रखें? तो अंग्रेजी अल्फाबेट में ब्रोमीन का बी, ब्रोमीन किससे शुरू होता है? बी से, और क्लोरीन किससे शुरू होता है? सी से। तो पहले बी आता है कि सी आता है? सबसे पहले यदि बी आ रहा है तो इसका मतलब ब्रोमीन को पहले दर्शाएंगे और क्लोरीन उसके बाद आता है तो क्लोरीन को उसके बाद में दर्शाएंगे। अब इसका हमको नामकरण करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा है? दूसरे कार्बन से। तो यहां क्या लिखेंगे? टू ब्रोमो का मतलब क्या है कि दो ब्रोमो नहीं है, यह दूसरे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। टू ब्रोमो का मतलब है दूसरे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और पहले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। तो दो ब्रोमो और 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और आगे क्या लिख देंगे? बेंजीन। ठीक है, यदि मान लीजिए यहां पर जो है पहले पर ब्रोमीन जुड़ा है, दूसरे पर क्लोरीन जुड़ा और तीसरे पर हमारा क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है, तब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? अलग अलग हमारे हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वाले से जुड़े हुए हैं, इस दौरान हम नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी अल्फाबेट का यूज करेंगे। बी पहले आता है, सी पहले आता है कि एफ आता है? सबसे पहले बी आएगा, फिर सी और उसके बाद अंग्रेजी अल्फाबेट में एफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम किसका नाम रखेंगे? बी का। बी किस कार्बन से जुड़ा है? पहले कार्बन से। तो 1 ब्रोमो, इसके बाद से कौन आएगा अंग्रेजी अल्फाबेट में? सी। सी का हम क्या करेंगे? सी किस कार्बन से जुड़ा है? तीसरे, तो 3 क्लोरो। और आगे हमारा छठे कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 6 क्लोरो, अर्थात 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 6 क्लोरो और आगे लिख देंगे बेंजीन। तो इसका नाम क्या हुआ? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 6 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इस तरह से हम तीन तरीका हम आप लोगों को बताए। पहला तरीका हमारा क्या है?
कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा हो तब इसका नामकरण, जब दो हाइड्रोजन परमाणु समान प्रकार के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो तब, और तीसरा तरीका होता है कि जब असमान तरह के, जैसे कि मान लीजिए यहाँ यक्ष है, यहाँ यक्ष डैश, यहाँ यक्ष डबल डैश, कहने का मतलब यह तीनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग हाइड्रोजन, इस तरह से रहेगा, तीनों अलग अलग रहेंगे तब उसका नाम।